हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब ब्लॉगर शिवा सो फ्रेंड। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया से होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे जहां भी होंगे। तो आज का ब्लॉग कर लेते हैं शुरू। और आज भाई मेरे घर में जाने वाली है बारात और मैं तैयार होने के लिए आ गई हूँ पार्लर। तो यहाँ पर दीदी मुझे ना तैयार करेंगी, मतलब क्योंकि घर में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं खुद से रेडी हो पाती, और बहुत सारे मेहमान वगैरह घर में आए हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं पार्लर चलती हूँ और वहाँ जाके तैयार होती हूँ आराम से, क्योंकि मैं ना बहुत सुकून से बहुत आराम से तैयार होना चाहती थी और घर पे ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, मतलब तैयार होना, क्योंकि आप सभी को पता है घर पे जैसे बहुत सारे मेहमान हैं तो बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं सुकून से तैयार हो जाऊं। और फिर होता है ना, सब लोग हमें तैयार कर दो, हमें तैयार कर दो, तो सबको तैयार करने के चक्कर में ना हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, खुद से मतलब अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा चलो पार्लर चलते हैं आज और वहीं जाके तैयार होते हैं। तो पूरे 5 सालों बाद, मतलब मेरी शादी को ना 5 साल हो जाएंगे, तो पूरे 5 साल के बाद मैं दोबारा से तैयार होने के लिए गई थी पार्लर। मैं अपनी शादी में पार्लर से तैयार हुई थी और उसके बाद आज मैं ये सेकंड टाइम अपना वेडिंग जो लहंगा है ना वो पहनने वाली हूँ। और पूरी तरह से मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना वही गेटअप लूँ जैसे मैं शादी पे तैयार हुई थी। बिल्कुल सेम तो नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब चेंज है, लेकिन जो भी चेंज था लेकिन मुझे अच्छा लगा पार्लर से तैयार होके। और पूरे 5 साल बाद मैं अपनी मतलब शादी का लहंगा पहनूंगी। तो आप लोग बताइएगा मेरा शादी का ये लहंगा मुझ पर कैसा लग रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मुझे ना लहंगा पहने हुए देखेंगे, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं पहना है। और पूरे 5 साल की जो यादें थी वो फिर से ताज़ा हो जाएंगी। और फंक्शन के व्लॉग में एक व्लॉग ऐसा भी जाना चाहिए, इतने सारे फंक्शन के व्लॉग चल रहे हैं, क्योंकि ये भी मेरे एक फंक्शन के व्लॉग का ही हिस्सा है ये व्लॉग। तो अभी बस मैं तैयार हो जाऊंगी और घर पे ना सहरा बनने की मतलब तैयारी चल रही है। तो बस उससे पहले मुझे जाना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर एक रस्म होती है सुरमा डालने की। तो वो रस्म ना मतलब दूल्हे को दूल्हे की भाभी ही करती है, तो इसलिए मुझे जल्दी से मुझे मतलब तैयार होना है। और मुझे ना पहले ही बोल दिया गया था कि कोई तैयार हो ना हो आपको जल्दी मतलब सबसे पहले रेडी होना है, क्योंकि वही होता है ना कि फ्रंट पे भाभियों को ही रहना पड़ता है और जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मतलब मुझे करने पड़ेंगे। और तो इसलिए ना हस्बैंड जी भी मुझे जल्दी छोड़ के चले गए थे और बोल के गए थे कि 1 घंटे में आपको रेडी होना है और फटाफट से। और दीदी को भी बोल दिया था कि आप 1 घंटे में मतलब इनको तैयार कर देना, क्योंकि इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस बेचारी दीदी भी बहुत जल्दी जल्दी कामों में लग गई और मुझे मतलब जल्दी से तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिया। और फर्स्ट टाइम आई थी मैं इनके पार्लर में, मेरे घर के नज़दीक ही है इनका पार्लर, मतलब ज़्यादा नज़दीक तो नहीं, मतलब थोड़ी दूरी पर है। और लेकिन ये है कि मतलब अच्छा इन्होंने काम किया, मुझे सही लगा। ये होता है ना कि कभी कभी मतलब अगर हमारे पास टाइम नहीं है इमरजेंसी में, हम इनके पास जा सकते हैं और मेरे घर के नियर बाई हैं जैसे, तो मुझे थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। और शादी के बाद मैं पहली बार मतलब अपने ससुराल के यहाँ किसी पार्लर में गई थी। तो चलो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर आपको अपना फाइनल लुक जो है वो मैं दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। अगर ये वाली वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और ये भी मेरे लिए एक पल है और इसलिए मैंने ये आपके साथ में शेयर की है, क्योंकि हम छोटी बड़ी जो भी काम करते हैं ना वो हम आप लोगों के साथ में मतलब शेयर करते हैं, क्योंकि ये भी ना हमारे एक ब्लॉगिंग का ही हिस्सा है ये भी रूटीन। कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी मतलब आपने जो मेकअप कराया है मतलब उसका भी वीडियो हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। तो मैंने सोचा चलो मेरे पास वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं इसको शेयर कर देती हूँ। तो चलो मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, फिर बात करती हूँ अभी आपसे कुछ देर बाद।
तो ये है मेरा फाइनल लुक। और अभी दीदी बस हल्का सा जो है बस वो टचअप करना बाकी है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था मेरी वीडियो को देख करके कि आपने घर में मेकअप किया है या पार्लर से, तो ये वाली वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करी है। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा, और मेरा लहंगा कैसा लग रहा है ये भी बताइए। तो गाइज ये देखो मैं हो गई हूँ रेडी, और कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये हमारी दीदी हैं जिन्होंने हमें रेडी किया है। और जितने भी लोग अगर मुझे मेरठ से देख रहे हैं तो कौन सा एरिया है बता दो, ये कहाँ पर? ये शताब्दी नगर है, और शताब्दी नगर में इनका सेक्टर 5 में इनका पार्लर है। और बताइएगा आप लोग इन्होंने मुझे कैसा रेडी किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बताइएगा, अगर नियर बाई से आप मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर विजिट करना। नाम क्या है दीदी आपके पार्लर का? नेचुरल ब्यूटी पार्लर। नेचुरल ब्यूटी पार्लर से हैं, और शोभा नाम है, शोभा नाम है दीदी का। तो ज़रूर एक बार विजिट करना दीदी के यहाँ पे, बहुत अच्छा काम है। और मतलब आपको खुश कर देंगी, मुझे खुश कर दिया, आपको भी खुश कर देंगी। थैंक यू सो मच। तो चलो, और कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ आज। लग रही हूँ ना बिल्कुल दुल्हन, फिर से मुझे दुल्हन बना दिया। एक बार फिर से आपने मतलब शिवा को दुल्हन बने हुए देख लिया। तो चलो घर चल के मिलते हैं आपसे। के